इसमें हिरण्यकश्यप का वध किया है, क्योंकि हिरण्यकश्यप दैत्यों का राजा था और वह प्रहलाद का पिता भी था, तथा वह प्रहलाद को मारना चाहता था, क्योंकि जो कोई भी मनुष्य भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करता वह उसे मृत्यु दंड देता। लेकिन जब उसने स्वयं प्रहलाद को मारना चाहा तो भगवान विष्णु ने भगवान नृसिंह का रूप धारण किया और हिरण्यकश्यप का पेट पीठ से फाड़कर उसका वध कर दिया। वामन अवतार। भगवान विष्णु ने यह वामन अवतार महान राजा बलि का वध करने के लिए लिया था, क्योंकि राजा बलि ने अपनी शक्तियों से स्वर्ग लोक को जीत लिया था और सभी देवी देवता उससे डर करके भगवान विष्णु से मदद की गुहार करने गए। तभी भगवान विष्णु ने यह वामन अवतार लिया और राजा बलि से दान के रूप में 3 पग भूमि मांगी। जब उसने तथास्तु बोला तभी भगवान विष्णु अपने असली स्वरूप में आ गए और उन्होंने अपने पहले पग में धरती को और दूसरे पग में स्वर्ग लोक को नाप लिया और अपना तीसरा पग राजा बलि के सर पर रख दिया। परशुराम अवतार। भगवान परशुराम भी भगवान विष्णु के ही अवतार थे और वह इस पृथ्वी पर इसलिए अवतरित हुए क्योंकि क्षत्रियों का अत्याचार इतना बढ़ गया था कि सभी ऋषि मुनि त्रस्त हो गए थे और उनके ही कारण भगवान विष्णु ने यह अवतार लेकर अत्याचारी क्षत्रियों का विनाश कर दिया। राम अवतार। भगवान विष्णु ने यह राम अवतार त्रेता युग में राक्षस राज रावण का